22 जनवरी को अयोध्या में होवे वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में हर्ष को माहौल देखो जा रहा हो। जिते एक और राम भक्तन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा हो, तो ते दूसरी ओर भोपाल में किन्नर समाज में राम के लाख काफी गहरी आस्था देखी गई। भोपाल में कितना उत्साह है किन्नर समाज में जो वास्तव में देख विलायक है। किन्नर समाज को बहुत खुशी है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, तो हमें इतनी खुशी हो रही है। हमारे सामने आपके सामने हमारा यहाँ अभी भजन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, हमारे राम जी आ रहे हैं, हमें उनका आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद किन्नर समाज को लगा है। किसी टाइम के अंदर जब उनको वनवास हुआ था 14 साल का, तो उनने बोला ऐसा हमें सब छोड़ने के लिए गए, नर नारी छोड़ने के लिए गए, तो उनने बोला इस समय हमारे किन्नर समाज भी गए, नर नारी लौट जाओ, नर नारी लौट के आ गए। किन्नर समाज वहीं खड़े रहे, जो भी थे हमारे बुजुर्ग एक दो, उनने कि आप कैसे खड़े हो, उनने कि आपने बोला था नर नारी लौट जाओ, हम खड़े हुए हैं, तो कहले कल में राज आएगा, तो आज हम लोगों का राज है, MLA भी बन रहा है, विधायक भी बन रहा है, हमें ऐसा में अच्छी तरह से पहले से आज में हम लोगों में बहुत सुधार है, और जो भी इंसान देखता है अच्छी नज़रों से देखता है, पहली वाली नज़रों से नहीं देखता था, लेकिन आज के टाइम के अंदर हम लोगों को कोई मौसी कहता है, कोई आंटी कहता है, हमें भी अच्छा लगता है, कोई उनका आशीर्वाद है ना हमारे साथ, और हम तो उन्हीं के हैं। हम लोगों में कहते हैं दादा गंगा राम जी के ही लड़े, तो हम दादा गंगा राम जी के ही लड़े हैं, राम जी के। आप भी जाएंगे अयोध्या? हाँ, अयोध्या किन्नर समाज बहुत पहुँचा है और हम भी गए थे, लेकिन ऐसा में काफ़ी रश था, तो मैं आ गई हूँ और मैं जाऊँगी बाद में, ऐसा में थोड़ा रश कम हो जाएगा। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के बाद राम लला की पूजा एक चबूतरा पे हो रही थी, लेकिन अब यानी कि 22 जनवरी के दिन देश को हर एक नागरिक गौरवान्वित होए, काहे कि 500 सालन को इंतजार खत्म होवे जा रहो और अपने राम लला अपने स्थान पे विराजमान होवे जा रहे।